हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ठो कूलिंग टावर में कितना अमाउंट का मेकअप देना चाहिए, आप कैसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आज का जो विषय है वो है कूलिंग टावर में मेकअप वाटर का कैलकुलेशन। तो एक तो कूलिंग टावर में जो मेकअप वाटर का कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो है इवेपोरेशन लॉस प्लस ब्लोडाउन लॉस प्लस ड्रिफ्ट लॉस। तो इवेपोरेशन लॉस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, आप निकाल पाएंगे। ब्लोडाउन लॉस का जो फॉर्मूला वो आपको पता है, आप निकाल पाएंगे। ड्रिफ्ट लॉस ये डिपेंड करता है जो कूलिंग टावर का डिजाइनर है वो कितना दिया है ड्रिफ्ट लॉस। जनरली कूलिंग टावर में 0.02% ड्रिफ्ट लॉस होता है, जितना अमाउंट का कूलिंग वाटर फ्लो होता है उसका 0.02% ड्रिप लॉस होता है। तो अभी हम लोग एक ठो एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि कैसे एक ठो कूलिंग टावर का मेकअप वाटर को कैलकुलेशन कर पाएंगे कि कितना अमाउंट का मेकअप देना पड़ेगा कूलिंग टावर में। तो मान लीजिए सी डब्ल्यू फ्लो एक ठो कूलिंग टावर में हो रहा है 1565 मीटर क्यूब पर आवर, और इवेपोरेशन लॉस जो है, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इवेपोरेशन लॉस जो है वो हो रहा है 15.32 मीटर क्यूब पर आवर, और जो ब्लोडाउन लॉस हुआ है वो है 9.01 मीटर क्यूब पर आवर। तो ड्रिप लॉस कितना होगा 0.02% किसका 1565 का, तो कितना होगा 0.313 मीटर क्यूब पर आवर। तो अभी मेकअप टू कूलिंग टावर को जो मेकअप दिया जाएगा उसका अमाउंट कितना होगा। इवेपोरेशन लॉस आपको पता है 15.32 प्लस ब्लोडाउन लॉस पता है 9.01, ड्रिप लॉस यहाँ से मिल गया 0.313, तो कितना होगा मेकअप 24.643 मीटर क्यूब पर आवर। तो कूलिंग टावर में आपको इतना अमाउंट का 24.643 मीटर क्यूब पर आवर का मेकअप देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको कूलिंग टावर में कितना अमाउंट का मेकअप देना चाहिए उसका कैलकुलेशन पता चल गया होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।